आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे उपवास के लिए चटनी। इसे आप साबूदाना बड़े के साथ खाइए या डोसा के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा ये चटनी। और उपवास में जो लोग नमक खाते हैं वो इस चटनी को आराम से यूज कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो उससे पहले फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हमने एक टोमेटो लिया है, इसको हमने रफली कट करके ली हूँ। एक गाजर, इसको भी हमने रफली कट करके रखा है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर, इसको हमने सिर्फ कलर देने के लिए यूज करेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है पाउडर। और यहाँ पे 2 से 3 खजूर को हमने इस तरह से बारीक कट करके लिया है, छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये मूंगफली है, मूंगफली को 2 बड़े चम्मच मूंगफली है, इसे हम रोस्ट करेंगे। ये जीरा है, आधी चम्मच जीरा लिया है। और ये टेस्ट के अनुसार काला नमक यहाँ हम यूज कर रहे हैं। इसके जगह पे आप उपवास का नमक, काला नमक भी उपवास में यूज होता है, तो आप जो नमक यूज करते हैं उपवास में आप उस हिसाब से यूज कीजिए। ये कुछ कड़ी पत्ते हैं, 5 से 6 कड़ी पत्ते। ये 2 हरी मिर्च है, इसे हमने तोड़ करके रखा है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। अगर आप अदरक उपवास में नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, उससे भी ये चटनी की टेस्ट बहुत अच्छा आएगी। इधर हमने ऑयल लिया है, इधर पैन गरम होने रखा है हमने। इसमें 1 ड्रॉप से 2 ड्रॉप हम ऑयल डालेंगे और इसमें सारे मसालों को एक एक करके हम अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली को थोड़ा ज्यादा हमें भूनना है, इसका भुना हुआ टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम कंटिन्यू करते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये मूंगफली भून गया, इसे हम साइड करते हैं। और इसी ऑयल में हमें ऑयल ज्यादा नहीं डालना है, जीरा डाल देंगे। जीरा को ज्यादा नहीं, बस हल्का सा भूनना है हमें। जीरा का कच्चापन बहुत ही अच्छा आएगा इस चटनी में। ये सारा हमने डाल दिया, मिर्ची, करी पत्ता, अदरक, इन्हें भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। और इसी में गाजर, ये टोमेटो, इन सबको हम एकदम स्लो फ्लेम से टोमेटो को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। टोमेटो को हमें यहाँ पे सॉफ्ट होने तक भूनना है। और इसी समय हम ये नमक भी डाल देंगे, जिससे टोमेटो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। ये टोमेटो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें गैस को बंद कर देते हैं यहाँ पे। और ये जो खजूर जो हमने रखा है इसे मिक्स कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। इन सब को ठंडा करके और फिर हम अच्छा सा एकदम ही स्मूथली चटनी का तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। इसे नीचे उतार कर हमें ठंडा होने देना है, एकदम ही ठंडा होने देना है। ये इसी समय हम यहाँ पे ये लाल मिर्च पाउडर, जो कश्मीरी मिर्च रखा है, उसे भी डाल देते हैं और ठंडा होने देते हैं 5 मिनट्स के लिए। ये ठंडा होने के बाद इसको हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, चटनी रेडी हो जाएगी। ये अच्छा सा ठंडा हो गया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें इसको शिफ्ट कर लेते हैं और इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे और अच्छा सा पेस्ट तैयार करते हैं पीस कर। बहुत ही अच्छा सा बनकर रेडी होगा। थोड़ा सा हमें इसमें पानी डालना है बस, और पीस करके रेडी कर लेते हैं।
ये बहुत ही अच्छा सा चटनी बन करके रेडी हो गया है। देखिए बहुत ही टेस्टी। और इस तरह का हमें पेस्ट बनाना है, इस तरह की चटनी बहुत ही अच्छा लगेगा। डोसा के साथ खाइए, बड़े के साथ खाइए। और हम एक बाउल में सिर्व कर लेते हैं। इसे जरूर आप खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है फ्रेंड, तो लाइक जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगता है, अच्छा या बुरा जो भी लगता हो। फ्रेंड्स आप एक बार अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए कि बना करके कैसा लगता है आपको। ये चटनी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा सा